अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं शमीम आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे। और आप सब ने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम बढ़िया दिया होगा, अच्छे से दिया होगा, सारे पेपर्स अच्छे से गए होंगे। और आज की इस वीडियो से हम एक नए सेमेस्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। सिक्स्थ सेमेस्टर इंग्लिश की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको बता दूं सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बुक लेके आना है। बुक के बगैर पढ़ने में भाई मजा ही नहीं है, बुक में पढ़ने का मजा ही अलग है। आप मेरे इस लेक्चर को सुनो, बातों को सुनो, मीनिंग को सुनो, लेकिन अपना ख्याल आप अपनी बुक की तरफ रखो, ठीक है। आप पहले जाके बुक खरीद लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना एक बायोग्राफी स्टीव जॉब्स की और दो एसेज स्पीकिंग इन टंग्स द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। बस इतना ही आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। इस वीडियो में हम बायोग्राफी पढ़ेंगे स्टीव जॉब्स की, अबाउट द ऑथर हम पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो स्टीव जॉब्स कौन थे भाई? स्टीव जॉब्स भैया ये स्टीव स्मिथ नहीं है, ये क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं है, और ये वो जॉब काम मुलाजमत ये वो जॉब नहीं है, ये एक नाम है, किसी बंदे का नाम है। किसका नाम है? अरे भाई वही जिसके आप एप्पल के गैजेट्स यूज करते हो, जिसके आप एप्पल के फोन यूज करते हो। ये सीईओ, ये चेयरमैन, ये कोफाउंडर है एप्पल का, स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। और इसकी ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी का भी ये एक पार्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट एक हिस्सा है, वही हमें इस चैप्टर में इस यूनिट में पढ़ना है, जो कि लिखा है वाल्टर इसाकसन ने। वाल्टर इसाकसन इसका ऑथर है, स्टीव जॉब्स एक्सट्रैक्ट है बायोग्राफी का, यही हमें पढ़ना है। ये सिक्स सेमेस्टर में सबसे पहला यूनिट है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम आगे अबाउट द टेक्स्ट और उसके बाद हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक की तरफ ख्याल रखिए, मैं आपको बोर्ड पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग भी लिख के यहां पे दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। वाल्टर इसाकसन बॉर्न इन 1952 इज एन एक्लेम्ड अमेरिकन एकेडमिक ऑथर एंड जर्नलिस्ट। हाँ जी भैया, बताया जाता है कि जो ये ऑथर हैं, जो वाल्टर इसाकसन हैं, पैदा हुए हैं कब? 1952 में, 1952 ईस्वी में, 1950। और ये एक मशहूर अमेरिकन एकेडमिक है, एकेडमिक मतलब माहिर तालीम है, जर्नलिस्ट है, ये पत्रकार भी हैं और ऑथर भी हैं। ऑथर मतलब ये किताबें लिखने वाले भी हैं। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक माहिर तालीम, माहिर तालीम, शाबाश। He was born in New Orleans, Louisiana. और ये पैदा कहाँ हुए थे? New Orleans जगह है, Louisiana में, वहां पे पैदा हुए हैं। His father was an engineer and his mother a real estate broker. और इनका बाप जो था वो एक इंजीनियर था और इनकी माँ एक रियल एस्टेट ब्रोकर थी। रियल एस्टेट ब्रोकर का मतलब एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हम कहेंगे, क्योंकि ये इसकी माँ थी एस्टेट ब्रोकर, एस्टेट ब्रोकर, आप बिजनेस वोमैन याद रख लीजिए या बिजनेसमैन, ठीक है। द फैमिली वर कीनली इन्वॉल्वड इन फोस्टरिंग इंटरकल्चरल टाइज इन द कम्युनिटी वेयर दे लिव्ड। और इसकी फैमिली जो थी, इसकी इसके माँ बाप जो थे वो बड़ी दिलचस्पी रखते थे वो जो वो कल्चर को, अब बाहर के कल्चर को अपने कल्चर में मिक्स करने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। वो ये कम्युनिटीज जो हैं, जो बनी हुई हैं, जहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इसको खत्म करना चाहते थे, ये जो टाइज थे, ये जो हर्डल्स थे, बैरियर्स थे, इनको ये खत्म करना चाहते थे। इसाकसन वर्क टू यूनाइट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रेसेस टू हेल्प डेवलप अ प्रोग्राम फॉर ट्यूटरिंग चिल्ड्रन। और इसाकसन जो था, जो ऑथर है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, स्टीव जॉब्स का, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, इन्होंने भी बड़े जोर लगाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को जमा करा सके एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से बिलोंग करता हो, उसको एक जगह पे, वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको वो कोचिंग कराए, उनको वो ट्यूशन कराए, ठीक है। ये एक आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल काम था। द फैमिली वर ऑल्सो लिटरली इंक्लाइनेड अ ट्रेड दैट इंस्टिल्ड अ लिटरेरी सेंसिबिलिटी इन द यंग इसाकसन। और उसकी फैमिली, इसाकसन की फैमिली भी क्या थी? लिटरेरी इंक्लाइनेड। लिटरेरी इंक्लाइनेड का मतलब क्या होता है? तालीम याफ्ता, तालीम, लिटरेरी इंक्लाइनेड, तालीम याफ्ता, पढ़ी लिखी। इसकी फैमिली जानने वाली थी, ठीक है, वो पढ़ी लिखी थी,
a trait that instilled a literary sensibility in the young Isaac Sir. ये ट्रेड था, ये एक ऐसी चीज थी इसाकसन के लिए जिन्होंने जिसने इसाकसन को इंस्टिल किया या इंस्पायर किया, ठीक है, अपने माँ बाप से वो इंस्पायर हुए थे क्योंकि इसके माँ बाप यही चाहते थे कि हम इन टाइज जो हैं या ये जो हर्डल्स हैं इनको हम खत्म करें, तो सारे लोग एक जैसे सभी कानून के सामने बराबर है या सभी अल्लाह के सामने बराबर है, ये भी इनका मानना था। इसाकसन ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1974 एंड मेजर्ड इन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। और इसाकसन इन्होंने ग्रेजुएशन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1974 में, और फिर मास्टर हो गए हिस्ट्री और लिटरेचर के। मेजर्ड का मतलब MAJORD, मेजर्ड का मतलब यहाँ पे मास्टर्ड, ठीक है, जैसे हम PG कहते हैं, ठीक है, मेजर्ड MAJORD, मेजर्ड का मतलब मास्टर हो गए। इन्होंने मास्टर की डिग्री ली एक हिस्ट्री में और लिटरेचर में। Then as a Rhodes Scholar at the University of Oxford, he studied philosophy, politics and economics and graduated with first class honors. और उसके बाद एज ए रोड स्कॉलर, तो रोड स्कॉलर भी यहां पे एक वर्ड आया, ये आप याद रख लें, RHODES, रोड्स, रोड का मतलब क्या होता है, स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप की बेस पे गए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और वहां पे उन्होंने क्या पढ़ा, फिलॉसफी, फलसफा पढ़ा, पॉलिटिक्स, सियासत पढ़ी एंड इकोनॉमिक्स, माशियत पढ़ी, इक्तिसादियत पढ़ी एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम विद फर्स्ट क्लास ऑनर, और वहां से भी ग्रेजुएट किया अच्छे नंबरात से, या हम कह सकते हैं अच्छे ग्रेड से। इसाकसन हैज हैड अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, करंटली प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट ट्यूलेन यूनिवर्सिटी। ही आल्सो सर्वड एज CEO ऑफ द एस्पिन इंस्टीट्यूट, अ वाशिंगटन बेस्ड नॉन पार्टीजन पॉलिसी स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन, एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ द CNN एंड एज एडिटर ऑफ टाइम मैगजीन। इसाकसन का जो कैरेक्टर है, जो कैरियर है, वो अलग रहा है, वो मुख्तलिफ रहा है, वो डिस्टिंग्विश रहा है, ठीक है, अलग अलग रहा है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, करंटली आज प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट ट्यूलेन, वो ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ट्यूलेन यूनिवर्सिटी में। ही आल्सो सर्वड एज CEO, उन्होंने CEO के तौर पे भी काम किया है एस्पिन इंस्टीट्यूट में, वाशिंगटन बेस्ड नॉन पार्टीजन पॉलिसी। ये वाशिंगटन नॉन पार्टीजन पॉलिसी है स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब ये पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन नॉन प्रॉफिटिंग है। As chairman and CEO of the CNN and the editor of Time magazine, as a chairman, as a CEO of CNN, अरे भैया CNN की न्यूज़ें नहीं देखते आप, CNN की न्यूज़ें नहीं पढ़ते आप, उसके CEO, उसके chairman भी रह चुके हैं और editor भी रह चुके हैं Time magazine के। तो इतने सारे काम इसाकसन ने किए, वाल्टर इसाकसन ने। In keeping with his zeal for public service, he also served as chair emeritus of Teach for America, a non-profit organization. In keeping with his zeal, zeal का मतलब जोश, जज्बा, अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए, ये इनका जज्बा था, ये इनकी सोच थी, ये इनका जोश था कि वो लोगों की सर्विस करे, वो लोगों की खदमत करे, खदमत खलक, ठीक है। उन्होंने शुरू किया चेयर एमेरिटस को टीच फॉर अमेरिका, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है कि इन्हें उसमें कोई फायदा नहीं था, बस ये लोगों की खदमत करते थे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी तंजीम थी। प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपॉइंटेड हिम एज द चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स व्हिच रन्स वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो फ्री यूरोप एंड अदर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, सभी तो जानते हैं ना उसको, सदर जो थे अमेरिका के, उन्होंने इसाकसन को अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, इसका चेयरमैन अपॉइंट किया इसाकसन को किसने, बराक ओबामा ने, प्रेसिडेंट ने, विच रन वॉइस ऑफ अमेरिका, जो क्या क्या चलाते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका चलाते थे, रेडियो फ्री यूरोप चलाते थे एंड अदर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, या बाकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो चलाते थे, उनका CEO इसको रखा गया। ही हेल्ड अ पोजिशन फ्रॉम 2009 to 2012, और उन्होंने ये पोजिशन 2009 से लेकर 2012 तक संभाली, ये ओहदा उन्होंने 2009 से लेकर यानी कि 3 सालों तक ये संभाला। इसाकसन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ह्यूमनिस्ट विद ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमनकाइंड। तो इसाकसन को और कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एज अ ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है, इंसानों के लिए जिसे हमदर्दी हो, ठीक है, ह्यूमनिस्ट में लिखता हूं यहां पे, इंसानों के लिए हमदर्दी, ये इंसानों के लिए हमदर्दी रखते थे, इंसानों से प्यार करते थे, ये नहीं, ये ऐसा नहीं सोचते थे कि
कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है। अक्सर हम देखते हैं कि अपनी इस कश्मीर में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन या बाकी चीजों पे। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। विद ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमन काइंड, इनका एक कंपैशन होता था, जज्बा होता था ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानों की सर्विस करने के लिए। न्यूमरस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैव कंफर्ड ऑनररी डिग्रीज अपॉन हिम, और बहुत सारी आला यूनिवर्सिटी जो थी, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है आला, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी, उन्होंने इसको आजाजी डिग्रीज अता की। ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इनको इनामों से नवाजा और डिग्री से नवाजा। ऑनररी का मतलब क्या होता है? एजाजी डिग्रीज, बड़ी बड़ी डिग्रीज। He is a successful author and has written a number of books on contemporary American technological culture as well as many acclaimed biographies. ये एक successful author भी थे, एक कामयाब author भी थे, मुसन्निफ भी थे, और जिन्होंने बहुत सारी number of books लिखी हैं, किस पे? Contemporary American technological culture पे, जो हम असर American technological culture है। Contemporary का मतलब क्या होता है? हम असर, जो हम आज देख रहे हैं, contemporary। हम असर, ठीक है, जो आज हम देखते हैं कि इंडिया, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स कितना आगे जा चुका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, वो उसके उसको वो बयान करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने, एज वेल एज मनी एक्लेम्ड बायोग्राफीज, और उसके साथ साथ बहुत सारी मशहूर बायोग्राफीज भी लिखी हैं, जिनमें से हमें एक पढ़नी है स्टीव जॉब्स की। सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड किसिंगर बायोग्राफी 1992, और कुछ इसके जो बड़े बड़े कारनामे हैं, काम है, उसमें क्या क्या आता है? किसिंगर आता है, ये भी एक बायोग्राफी है जो कि 1992 में लिखी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखी है, एन अमेरिकन लाइफ लिखी है 2003। आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स 2007 ये लिखी है। स्टीव जॉब्स 2011 में लिखी है, जिसको हमें आज पढ़ना है। लिनार्डो डी विंसी लिखी है 2017 में, एंड कोड ब्रेकर जेनिफर डॉडना लिखी है। जीन एडिटिंग एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस 2021, ये सारे इसके कारनामे हैं। और ये था सब ऑथर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ऑथर के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे, वाल्टर इसाकसन के बारे में अब आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट द टेक्स्ट को पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। सारा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।